नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी अंतरा की जो लघु कथा है चार हाथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस पार्ट के इंट्रोडक्शन को। तो देखो, यह लघु कथा ना पूंजीवादियों द्वारा मजदूरों के शोषण को उजागर करता है कि किस प्रकार जो पूंजीपति हैं वो अपने फायदे के लिए मजदूरों का शोषण करते आ रहे हैं। वो हर तरीका अपनाते हैं जिससे उनको मुनाफा हो और वो मजदूरों का शोषण कर सके। इसे इस कहानी के इस लघु कथा के माध्यम से इसी चैप्टर में समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने कहानी की ओर। तो कहानी में होता क्या है, एक मिल मालिक होता है। वो मिल मालिक ना अपना मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचता है कि किस तरह मैं अपना मुनाफा बढ़ा दूं। तो वो सोचता है अगर मजदूरों के चार हाथ लग जाए तो वो काम ज़्यादा करेंगे, जिससे उसका मुनाफा भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो मिल मालिक क्या करता है, बड़े वैज्ञानिकों को ना अच्छी कीमत पर रखता है और उसको कहता है कि जल्दी से जो मजदूरें हैं उनके दो हाथ और लगा दो, उनके चार हाथ कर दो। अब जैसे वो ये कहता है तो वैज्ञानिक अपने काम पर लग जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि किस तरह मजदूरों के चार हाथ को लगाया जाए। वैज्ञानिकों के कई प्रयत्न करने के बाद भी जब वैज्ञानिक ऐसा काम करने में असफल हो गए तो मिल मालिक ने खुद ऐसा काम करने की सोचा और मिल मालिक ने कटे हुए मजदूरों के हाथ फिर से लगाने की कोशिश करी। उसने कई बार किया, उसने खुद ही ऑपरेशन करना शुरू किया, जिसके कारण जो मजदूर के दो हाथ थे वो भी क्या हो गए, कट गए। और फिर वो दो हाथ भी उसने लगाने की कोशिश किया, लेकिन कई मजदूरों की इसमें जान चली गई, कई मजदूर मर गए, लेकिन उनके चार हाथ नहीं लग पाए। और फिर जो मिल मालिक था वो परेशान हो गया। मजदूरों की मृत्यु के बाद भी उसको अपने मुनाफे की ही सूझ रही है। वो अभी भी यही सोच रहा है कि कैसे अपने मुनाफे को बढ़ाया जाए, और वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के नए नए तरीके खोज रहा है। फिर ना उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि क्यों ना हम क्या करें कि मजदूरों की सैलरी आधा कर देते हैं और उसी सैलरी पर एक और मजदूर को रख लेते हैं, और उसी सैलरी पे फिर दो दो मजदूर हम काम पे रख सकते हैं, जिससे उसी सैलरी में दो मजदूर आ जाएंगे और अपने आप ऑटोमेटिक चार हाथ हो जाएंगे। और वो फिर वैसे ही करता है और वो उसी जो होता है मजदूर होते हैं उनकी सैलरी को आधी कर देता है और उतनी ही सैलरी पे दो मजदूरों को रख लेता है। मजदूरों का शोषण, देखो पूंजीपति अपने लाभ के लिए ना मजदूरों का शोषण करते हैं, कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूर होते हैं, उनको अपना घर चलाना होता है, इसलिए वो चुप रहते हैं। वे उनका खूब फायदा उठाते हैं, वे उसका विरोध भी नहीं कर पाते, वो आधी सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है, अपना पेट पालना होता है। तो इस चार हाथ कहानी के जरिए जो लेखक है वो यही बताना चाहता है कि किस प्रकार जो पूंजीपति होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का शोषण करते हैं और अपने फायदे के लिए उनको हर तरह से प्रताड़ित करते हैं, और मजदूर बेचारा क्या करता है, कुछ नहीं करता, चुपचाप इस चीज़ को सहता जाता है और उसका शोषण होता जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आज के यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।